हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई एशरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आपको नई वीडियो के साथ में, जिस पे आज हम रेट करने वाले कलम इंक के ओल्ड वर्ल्ड के एक और नए ट्रैक पे आए हुए, भी काफ़ी दिन हो गए। सेम टॉक जो आ चुका था, मैंने सुना नहीं है, लिटरली नहीं सुना मैंने। मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त था तो ये रह गया, और एल्बम के भी काफ़ी गाने रह रहे। तो आज कोशिश करूँ कि आज में सारे कवर हो जाए। तो फर्स्टली हम फेम टॉक पे करेंगे, बिकॉज इसकी वीडियो आ गई थी। और इसका म्यूज़िक किसने दिया है? फर्स्टली म्यूज़िक है किसने दिया है भाई? म्यूज़िक प्लेसिड चिल्स ने दिया है क्या? म्यूज़िक प्लेसिड चिल्स नाम है भाई का, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, अगर देखते हैं, चेक करते हैं म्यूज़िक कैसा। तो डेफिनेटली ये भी बैंगर होने वाला है, आई एम डैम श्योर, क्योंकि कलमिंग भाई से मेरी होप फॉर द बेस्ट वाला सीन हो गया। तो सुनते हैं, ज़्यादा नहीं करते, काफ़ी दिन से वैसे ही आया हुआ है और मैंने करा नहीं है रिएक्शन, तो इस पर करते हैं। तो ज़्यादा नहीं करते, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो देखने के बाद। तो साथ में ट्रैक सुनते हैं, मैंने भी काफ़ी वेट करा है सुनने का, तो सुनते हैं। चलो ज़्यादा नहीं करते, चलो वीडियो देखते हैं क्या बनाइए। समी से ऊपर देखो, फ्लाइंग ओनली बेस्ट क्लास, काला जादू करे कलम मेरी, कॉल इट विचक्राफ्ट। कितने जमी से ऊपर देखूं, बात ओनली, मतलब बात नहीं, मतलब एक तरह का बेस्ट क्लास, मतलब बिजनेस क्लास स्टार्टिंग। बात नाइस ब्रो, नाइस स्टार्टिंग अच्छी है, बात आ रहे हैं। Yeah, समी से ऊपर देखो, flying only best class, काला जादू करे कलम मेरी, call it witchcraft। कितने गाने लिखे ही नहीं, I do freestyle, कितने गाने डाले ही नहीं भरे, कितने पड़े trap। कितने गाने डाले, I do freestyle, कितने डाले, कितने गाने डाले ही नहीं, draft में पड़े हुए बहुत सारे गाने अभी, तो कितने गाने डाले ही नहीं है, और जितने गाने मैंने अभी तक डाले वो सारे freestyle हैं almost, और बाकी सब मैंने लिखे नहीं। Without written लिखे हुए ऐसे गाने हैं, फ्री स्टाइल का मतलब कि, तभी मैं सोचूं इतनी दिल से दिल की बातें क्यों होती है। और सेम गोज टू मी, मैं भी कई बार होता है कि मेरे अंदर भरा होता है तो मैं भी सोचता हूँ कि बीट पे निकाल दूं, बट मैं लिख नहीं पाता, तो बीट पे निकल जाता है और गुस्सा वो अंदर वहीं रह जाता है। सही है, आई कैन रिलेट दिस लाइन, अब मैं तो रिलेट कर रहा हूँ यार, सही है यार पूरी। Yeah, समी से ऊपर देखो, flying only best class, काला जादू करे कलम मेरी, call it witchcraft। कितने गाने लिखे ही नहीं, I do freestyle, कितने गाने डाले ही नहीं भरे, कितने पड़े trap। मुझे success के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं, homies got me covered, पूरी भीड़ उसने रोकी हुई। You send me shit on the insta, कभी भार मिल, जीत रहा हूँ आज, इससे पहले रही थी हार मिल। Joint बने लौंडे खैरे, pass on me, बंदी का bill cross lakh and she passed on me। I call the manager and cash करे flow पूरा सटा सट, करे close on the table पैसा सटा सट। किसे दे हक दा मैं पल्ले अपने रख दानी, तेरे कलम च है जोर मैनू लग दानी। समी झोके या मैं तारे आनू छून ले, तारे वांगू फ्लैश मारा तेरे मुंह ते। यहां सब परेशान, कौन किसका ध्यान रखे, हम तुझसे गैर हैं पर फिर भी तेरा ध्यान रखे। कह लो आदत ही हो गई है हमको आपकी, गेम मेरे बेचियां पे कौन मुझसे पैर रखे। ऐसे दिस गेम में गेम मेरे बीच मुझसे कौन पैर रखे। भाई कलम इनकी कलम आ रही है ब्रो, कलम इनकी कलम दिखा रहा ब्रो, वो बंदा क्रेजी है ब्रो, ये बंदा, मतलब मैं इसका कलमिंग भाई का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। जब भी दिल्ली में शो होगा डेफिनेटली आई कैन ट्राई, नहीं मैं सोचूंगा कि मिल के ही आऊँ, बाकी देखते हैं कब होता है शो दिल्ली में। कलमिंग भाई अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ दिल्ली शो का बताओ यार कब आ रहे हो। यहाँ पे कौन मुझसे पैर रखे, ऐसे दिस गेम में सब मिरर हर जगह मौजूद। मैं आई कैन सी यू ऑल ड्राइंग मेरे वजूद से, मैं लगा रहा मैं खुद से खुद का सगा था। यू बिचेस कॉलिंग लक, वो सब 7 साल का सिला था, अब जा भी जाऊं आई गॉट 3 और मोर होमिस, कभी बाप बिना मिला तो फिर अलग बात होगी, आई मीन रियल बात होगी। आई गॉट फेम पैसा शौहरत मेरे भाई की। ये बोलना चाहूंगा, बार से ज्यादा मैंने वीडियो पे ध्यान दिया थोड़ा, मैं ये बोला था कि
एमसी स्क्वायर है वीडियो में, और एमसी स्क्वायर शायद अभी सिकंदर कालो भाई, सिकंदर कालो पाजी के मिलने गए थे, मैंने स्टोरी भी देखी थी वहीं पर थे, तो शायद उस बीच में मिला है कलम एक भाई भी उनसे, और सिकंदर पाजी के बोला था कलम एक ने कहीं तो बात बोली और कहीं तो मैंने देखा है कि उनको मिल के उनके मतलब पैर छूना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं एक तरीके, तो वो वीडियो में दिस इज़ नॉट अ मतलब ये नहीं बोल सकता कि कोई वीडियो चल रही है, एक ट्रैक सुनता हूँ मैं, आई फील लाइक कि मैं मूवी देख रहा हूँ कोई, कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है, सो इंस्पिरेशन ब्रो, हील भी कर रहा है ये बंदा और इंस्पिरेशन भी दे रहा है सेम टाइम, एट द सेम टाइम, और रैप तो चल ही रहा है, हिप हॉप के जरिए तो बातें हो ही रही है, तो रिस्पेक्ट है कलम भाई को, और भाई ने बोला था कि मैं पैर छूना चाहता हूँ और छुए भाई, रिस्पेक्ट है उसके लिए, और भाई ने बोला लगा रहा मैं खुद से खुद का सका रहा, तो मैंने ये लाइन कल था लंच भाई की सुनी है, मतलब ऐसा नहीं, अगर तेरा कोई सगा नहीं तो खुद को बोल तू सगा रहे, मैंने खुद को बोला तू सगा रहे, बस लगा रहा है, ऐसी लाइन थी वो, पर यहाँ पे थोड़ी टर्न है, बस सही है भाई, अब ये मत बोलना कि यार मैं हेट करता हूँ कलमिंग भाई को, भाई रिस्पेक्ट है कलमिंग को, बट इंस्पिरेशन लेके और ऐसा टर्न ऑन करके लाइन लिखना, दैट इज़ गुड, और बाकी जो वीडियो में दिखा रहे हैं वो क्रेजी है ब्रो, आई नो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कर रहा हूँ, बट मेरी वीडियो ऐसी होने लग जाएंगी अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं बात करना पसंद करूँगा, क्योंकि गाना सुनना ज़रूरी नहीं है, उसको फील करना ज़रूरी है कि वो चल क्या रहा है, सुन के निकल जाऊँगा फिर बोलूँगा सुन के निकल गया, मेरे भाई की वजह से सबको लगे आग, क्योंकि ना लोग कहते हैं कलमिंग को कि इसका भाई फेमस है, ये भाई की वजह से फेमस हो गया, ऐसी बातें मैंने देखी है कमेंट सेक्शन में, काफ़ी सेक्शन में देखी है मैंने, फैन पेज इसके कि वहाँ पे चल रहे होते हैं कि या कहीं पे चल रहे होते हैं, मैंने कहीं तो पढ़ी है ये चीज़ें कि कलम इनका भाई है, प्रमोट तो कर ही दिया उसने, मैंने व्लॉग में भी देखा है, बाबू भैया के व्लॉग में भी देखा है कमेंट्स में, वहाँ पे बोल रहा था इसको मतलब होता ना बाबू भैया कई बार कहते हैं प्राउडली बोलते हैं कि कलम इंक पे मेरे को होता ना प्राउड मोमेंट कि खुद बंदे ने खुद करा है, अब भाई वो नॉर्मली भाई है भाई, वो बंदा भाई है उसका, तो वो बंदा प्राउड तो फील होगा उस बारे में बताएगा भाई, एक्सप्रेस तो करेगा अपने इमोशन, वो भी ना करे पब्लिक ये चाहती है, मैंने कहा यार क्या हो गया लोगों को, कैसी बातें करते हैं, और अभी कलमिंग भाई का इंटरव्यू था उसमें भी ये बात हुई थी कि एटी वन के साथ में उसमें भी ये बात हुई थी कि भाई मैं व्लॉग में दिख जाता हूँ मेरे भाई के कई बार, तो लोग बोलते हैं कि भाई के व्लॉग में आ गया तो इतने जानती है पब्लिक, कलमिंग बोलता है कि भाई मेरा वो घर है मैं कहाँ जाऊँ, तो दैट इज़ ट्रू, आप अपने घर में बैठे हो और आपका भाई व्लॉग आ रहा तो वो दिखाएगा सबको, तो उसका काम है तो वो कैसे रोक लेगा, जैसे कलमिंग भाई का गाने बनाने का काम है तो रैप करने का काम है तो वो कैसे रोक लेगा, तो भाई ये चीज़ भी समझो, किसी के और की भी चीज़ें समझो भाई, तुम्हारी समझने की दूसरे की भी समझो, जो मेरे को नजर लगाएंगे वो बहुत कम होंगे, बाहर वाले अपने ही होंगे, अपने ही लोग डसेंगे, पर माँ मेरी नजर उतारती है, काला धागा बांधती है, वो मुझे प्रोटेक्ट करती है, अरे भाई आई कैन रिलेट दिस लाइन ब्रो, क्योंकि हुआ है भाई, लिटरली हुआ है मेरे, सेफ रहे तू, मेरी माँ को लगे डर, बेतहाशा वाली फेम से वो जानती, बेटे को लगाने वाली नजर काफी कम होंगे, बाहर के ज्यादा तो अपने सगे वाले, उसकी दुआ गॉट मी कवर, काले धागे बांधे, गेम करूँ काबू में मैं जैसे पक्का बंगाली, गाना जब भी फेंकूं इवन लोफी करे बैंग जानी, संडे इज ऑफ आई की घोड़ा मेरा खोल के फाइनिश इन दिस सीन, मुझे ऐसे ही नहीं बोलते आ जानी, जैसे दिखाऊं तुझे विजन, मेरा विजनरी टॉप वाला स्पॉट देख रहा है, वो है जगह मेरी, पूरी टेबल करूँ टर्न में, पहले नीचे था पर देखा वो टॉप पे, पर नीचे बार बार राउंड, क्योंकि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है, सो व्हाट दिस मीन टू यू, यही ना कि मैं बार बार मैं हूँ टॉप पे पर बार बार नीचे आऊँ, क्योंकि मुझे नींव भी संभालनी, नींव होती है ना कि पेड़ की नींव, जड़े रूट्स वो भी संभाल के रखनी है, और मुझे गेम भी संभाल के रखना,
बाहर से भाई बात कर रहा भाई बंदा यार बात कर रहा है। पूरी टेबल करूं टर्न में, मैं पहले नीचे था पर देखा वो टॉप पे, पर नीचे बार बार रहा हूं क्योंकि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है। सो व्हाट दिस मीन टू यू, यही ना कि मैं ही सब हूं, ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूं, जितना मेरे सा उसका आधा सह ले तू, यू गॉट मिली आई गॉट थ्री, उस पे इनटू टू इनटू फोर मेरा बैंक बैलेंस फाइव टाइम पाप प्राउड सिक्स टाइम मारो क्योंकि आई गॉट दैट प्राउड साथ हुआ मिली जो कि दे दिस फीलिंग ब्रो। पांच बार मैंने बाप को रुलाया पर सिक्स टाइम मार हुई है क्योंकि माय डैड प्राउड ब्रो। वो आई गॉट इमोशनल ब्रो, बट ये लाइन खुशी वाले आंसू वाले होते हैं कि लिटरली ब्रो आई मिली आई गॉट 3 उस पे इनटू 2 इनटू 4 मेरा बैंक बैलेंस 5 टाइम पाप प्राउड 6 टाइम मारो क्योंकि आई गॉट दैट प्राउड साथ ओह सॉरी 5 टाइम बाप रो वो नहीं बोली बात माइंड बोला कि 5 टाइम रोने वाली बात नहीं बोली पर मार रहे थे टाइम क्योंकि डैड प्राउड मिली जो कि दे रहा हूं आपको इस आर्ट को नौ से की कहते 10 की जवाब दूं अपने प्यार दे पीछे मैं नूला देता तू ट्रैक। देखो यार सिर्फ मैं इतना बोलूँगा मैं दोबारा सुनना चाहूँगा ये ट्रैक एक बार और इस बार विदाउट पॉज सिर्फ गाने का फील लेते हैं। इंक आर्मी इतना तो कर सकते हैं हम लोग मिलके तो सुनते हैं। अगर आपको यहाँ से छोड़नी है तो वीडियो छोड़ सकते हैं बट हाँ इतना ही बता देते हैं कि कैसा लगा आपको रिएक्शन और सब्सक्राइब कर लेना चैनल क्योंकि एल्बम का रिएक्शन भी आने वाला है। तो ठीक है ट्रैक सुनते हैं विदाउट पॉज ठीक है फील लेते हैं दोबारा से फील तो ले ही लिया बट अब पूरा वाला लेंगे ठीक है हमें फॉर्म में आ गया ऐसा लग रहा है। सिद्धू मूसे वाला पाजी को दिखाया गया है रिस्पेक्ट है। Yeah, समी से ऊपर देखो flying only best class काला जादू करे कलम मेरी call it witchcraft कितने गाने लिखे ही नहीं I do freestyle कितने गाने डाले ही नहीं भरे कितने बड़े draft मुझे success के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं homies got me covered पूरी भीड़ उसने रोकी हुई you send me shit on the insta कभी भार मिल जीत रहा हूँ आज इससे पहले रही थी हार मिल joint बने लौंडे खैरे pass on me बंदी का bill cross lakh and she passed on me I call the manager and cash करे flow पूरा सटा सट deal करे close on the table पैसा सटा सट किसे दे हक दा मैं पल्ले अपने रख दानी तेरे कलम च है सोर मैनु लग दानी समी चोके या मैं तारे आनु छून ले तारे वांगू फ्लैश मारा तेरे मुंह ते यहां सब परेशान कौन किसका ध्यान रखे हम तुझसे गैर है पर फिर भी तेरा ध्यान रखे ना कह लो आदत ही हो गई है हमको आपकी गेम मेरे बेचियां पे कौन मुझसे पैर रखे आई से दिस गेम एज अ मिरर हर जगह मौजूद मैं आई कैन सी यू ऑल ट्राइंग मेरे वजूद से मैं लगा रहा मैं लगा रहा मैं खुद से खुद का सगा था यू बिचेस कॉलिंग लक वो सब 7 साल का सिला था अब जा भी जाऊं आई गॉट 3 और मोर होमिस कभी बाप बिना मिला तो फिर अलग बात होगी आई मीन रियल बात होगी आई गॉट फेम पैसा शौहरत मेरे भाई की वजह से तो फिर सबको लगे आग है खुदा 36 रांचे हैं और उनमें से एक तू आई डोंट फॉलो यू ऑन इंस्टा ताकि सेफ रहे तू मेरी माँ को लगे डर बेटा हाशा वाली फेम से वो जानती बेटे को लगाने वाली नजर काफी कम होंगे बाहर के ज्यादा तो अपने सगे वाले उसकी दुआ गॉट मी कवर काले धागे बांधे गेम करूँ काबू में मैं जैसे पक्का बंगाली गाना जब भी फेंकूं इवन लोफी करे बैंग जानी संडे इज ऑफ आई की घोड़ा मेरा खोल के फाइश इन दिस सीन मुझे ऐसे ही नहीं बोलते आ जा नीचे से दिखाऊं तुझे विजन मेरा विजनरी टॉप वाला स्पॉट देख रहा है वो है जगह मेरी पूरी टेबल करूं टर्न में मैं पहले नीचे था पर देखा वो टॉप पे पर नीचे बार बार रहा हूं क्योंकि गेम भी संभालना है नींद भी संभालनी है तख्त भी संभालना है सो व्हाट दिस मीन टू यू यही ना कि मैं ही सब हूं ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूं जितना मेरे सा उसका आधा सह ले तू यू गॉट मिली आई गॉट 3 उस पे इनटू 2 इनटू 4 मेरा बैंक बैलेंस 5 टाइम पाप प्राउड 6 टाइम मारो क्योंकि आई गॉट दैट प्राउड साथ हुआ मिली जो कि दे रहा हूं आपको इस आर्ट को नौ से की कहते 10 की जवाब दूं अपने प्यार दे पीछे मैं नूला देता तू गैंगस्टर सीमा पहला मजनू रातानू तारे गिन
भाई जो भाई नहीं वाली बात बोली ना, गैंगस्टर सा भी था भी पहले, हूँ मैं मजनू, तो आई कैन फील दैट लाइन. मतलब होल सॉन्ग इज अ गुड ब्रो, मतलब आई डोंट हैव अ वर्ड्स ब्रो, मतलब ये सॉन्ग नहीं है ब्रो, ये इमोशंस हैं. और इमोशन सॉन्ग भी नहीं कहूँगा, मूवी है ब्रो. हिज जर्नी सो इंस्पायर्ड मी. ये कहाँ से कहाँ आ गया भाई. और सबसे बड़ी बात मेरे को पता क्या, मतलब क्या लगती है इंस्पिरेशन. कलम एक भाई चाहता तो बाबू भैया को बोलता, स्टोरियाँ डलवाता अपने गाने की, और कहीं ना कहीं जाके टैलेंट है, वायरल हो जाता. भाई नहीं आया व्लॉग, एक आते व्लॉग में, बहुत पुराने व्लॉग में कलमिंग, जब कलमिंग म्यूजिक इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था. बट जब कलमिंग आया और कलमिंग ने खुद बोला कि नहीं मैं करूँगा तो खुद के दम पे करूँगा, मैं व्लॉग में बहुत कम आता कलमिंग, तो भाई क्यों बोलते हैं बाबू भैया कि कमेंट्स में जाके, यहाँ जाके कि भाई बाबू भैया का भाई इसलिए फेमस हो गया, ये हुआ. दिस इज़ बुलशिट ब्रो. टैलेंट था इसलिए आ गया, अगर तुम्हारे में दम है तुम आ जाओ. सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ यही बोलूँगा. आर्टिस्ट में दम है तभी आर्टिस्ट यहाँ है. तुम लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं कि डिप्रेस करते हैं लोगों को, क्या करते हैं भाई. दिस इज़ अ डार्क हिप हॉप. डार्क हिप हॉप में ऐसी बातें होती हैं. अगर आपको हिप हॉप की नॉलेज नहीं है तो आप ऐसी भैसे मत करा करें, क्योंकि डार्क हिप हॉप किसी को कहते हैं और किसको कहते हैं, जो आप बातें किसी से नहीं कर सकते वो हिप हॉप में, डार्क हिप हॉप में खुले हम बोलने का दम चाहिए होता है. जो कलमिंग में है वो बोली है उसने भाई, बातें जो तुम सोचते रह जाते हो ना वो बोल गया माइक पे भाई, लिटरली बोल गया. तो उन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ उस चीज़ की वजह से, तो इसलिए मैं इसलिए ट्रिगर्ड हूँ उस चीज़ की वजह से, तो इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ इस चीज़ पर. तो इंक आर्मी भी मुझसे रिलेट करेगी इस बात के बारे में, क्योंकि इंक आर्मी को भी पता है और प्रोसेना को भी पता है कि क्या चल रहा है और क्यों है, कैसे है, कैसे कहाँ से कौन क्या गाया है. तो ब्रोसेना और इंक आर्मी दोनों को पता है कि कहाँ से कहाँ है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम. बस रिस्पेक्ट चाहता हूँ मैं कि यार हर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है. और ट्रैक की बात करते हैं, ट्रैक इज़ सो गुड, तभी मैंने दोबारा सुना. और कलमिंग नेवर डिसअपॉइंट अस, इंक आर्मी वी प्राउड ऑफ हिम प्रो. क्योंकि अभी मैंने देखा आज की स्टोरी में, देखा ईपी की बात चल रही है, मतलब ईपी भी डालनी है अभी प्रो. मतलब वो वाला सीन है कि 23 ख़त्म होने से पहले पूरा ख़त्म कर देंगे सीन, वो वाला सीन है. चलो अच्छी बात है. और मैं तो चाहता हूँ कि ऑफ फॉर द बेस्ट की, मैं तो चाहता हूँ कि सितंबर तक भाई के मिलियन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. और बाकी हमें भी सपोर्ट कर देना, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो यही ख़त्म करते हैं, ठीक है. तो टिल देन इन कार भी मुझे बताना कि आपको ट्रैक कैसा लगा और आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, ठीक है. बस यही बोलूँगा. और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए. ऐसे प्यार दिखाते रहो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताना. बाकी एल्बम का रिएक्शन भी आ जाएगा आज की डेट में, ठीक है, तो वो भी देख लेना. एल्बम के ट्रैक्स पे मैं सोच रहा हूँ बारी बारी करें, एक एक पे, होल एल्बम की जगह एक एक पे करेंगे, ठीक है. उस पर आप इंटरेस्ट लेके बात करने में मज़ा आएगा, ठीक है. तो ख़त्म करते हैं वीडियो, ठीक है. तो बस यही बोलूँगा, टिल देन अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है. पीस आउट.